मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। तो अभी तो जो है कोचिंग पढ़ा के आए, आने के बाद कुछ नाश्ता पानी हुआ और नाश्ता पानी करके अब जो है निकल रहा है, थोड़ा सा जाएंगे सागर पाली की तरफ। चनांश के मम्मी के स्कूल पे जाना है, कुछ काम है, इनको भी लेके जाएंगे साथ में और हम भी चलते हैं उसी साइड में थोड़ा। बाकी आज सावन का पहला सोमारी है, आप सभी लोगों को हर हर बम बम बल्ले बम बम। अभी तो इधर के साइड में जो है पूरा खाली खाली सा है, अगर बाढ़ आना होगा तो पूरा जो है भरने लगेगा। अभी ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि पानी का स्तर जो है बढ़ रहा हो, लेकिन वहाँ पर कितना बाढ़ के लिए बना है तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है बाढ़ आने की संभावना। एक दिन जब वीडियो बनाए थे तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला थोड़ा सा अंदर के साइड में था और आज देख रहे हैं थोड़ा सा आगे इधर के साइड में आ गया है। लग रहा है कि और ये किनारे पर आ रहा पानी जो है, मेरे ख्याल से लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा जो है बढ़ना चालू हो रहा है। और आगे की साइड में वहाँ पर एक दिन दिखाए थे कि बालू वालू जैसे खुद रहा था ना, तो पानी था अब जो है देखने को मिल रहा है। इतना खूबसूरत मौसम हुआ है, आ जाता है एकदम खूब ज़ोरदार बारिश ना तो मज़ा आ जाता है एकदम से। खाली बारिश जैसा मौसम हो रहा है फिर धूप निकल जा रहा है। हम ढूक गए लवे हमें हे जा हेलमेट में हे जा कटलस है जा आ जब कटलस है ना तो कहते हे तो नोच के तो निकाल के आ तो मरने तो हे पे लागिल रहे है पर देखे तुम्हारी थी ना। हां काज नहाड़ी रहल का रहे ने देख इतना जोर से मतलब काटा है कि क्या बताएं हम एकदम से बहुत तेज। अरे पूरा हेलमेट के हम हेलमेट के अंदर पूरा डूब गया था एकदम से, वहां पर फंस गया उसको ऐसे नोच के फेंके और पूरा गाड़ी में लग गया यहां पर। बहुत तेज एकदम से और हाथ में चोट भी बहुत तेज लग गया। निकालने के चक्कर में इतना तेज मारे हैं और ऐसे कहा जाएगा ऐसे मारने के लिए हाथ से तो नहीं मार पाएगा तुम्हें, ऐसे कहा जाएगा मारो दीवार को तो नहीं मार पाएगा, लेकिन देखो पूरा खून निकल गया। जी देखो इतने चोटी चोटू लगी इतना तेज दिख रहा है। हाँ यहाँ पर लगी है अरे दुख रहा है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे लगा है ना, यहाँ पे लगा है। हाँ दर्द तो कर रहा है लेकिन क्या करेंगे, खाना तो खाना है ना। जा रहे हैं आलू चाप बनाने के लिए, दाल चावल और जली हुई पकौड़ी आलू चाप, लेकिन मस्त बना है। अभी जा रहे हैं डॉक्टर शशि काला सिंह के हॉस्पिटल में क्योंकि बिने वहाँ पे आए हैं, कुछ खुशखबरी है भाई बिने की, चलते हैं हम भी। शशि काला सिंह के यहाँ पहुँचे मेरे कम से कम 1.5 घंटे हो गए हैं और मित्र बिने जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि थोड़ा सा गंदा पानी शायद मुँह में चला गया था, तो थोड़ा सा आफ्ताब आलम के एडमिट कराए थे हम लोग, फिर 1.5 घंटे बाद लेकर चले हैं क्योंकि यहीं पर हॉस्पिटल में है अंदर, वो हम थोड़ा सा बाहर टहल रहे हैं। चल दिए हैं घर पे, अब सब लोग सही है, जच्चा बच्चा दोनों सही है, तो चलते हैं थोड़ा सब्जी खरीदना है, फिर बालेश्वर मंदिर भी चलना है। सब्जी तो ले लिए, सब्जी ला कर घर पर रख देते हैं और चलते हैं थोड़ा बालेश्वर मंदिर की तरफ घूमाते हैं, देखते हैं शाम के समय। दिन में तो मौका ही नहीं मिल पाया, क्या बताऊँ मैं, सुबह में जाना चाहिए था। चलो खैर कोई बात नहीं, शाम को देखते हैं। भीड़ तो भाई बढ़ गई है ज़्यादा शाम के टाइम पर, हमें पहुँचते पहुँचते 9 बज गया इस टाइम, लेकिन भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। भीड़ तो भाई पूरा इधर लग गया है, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी जल ढारने के लिए लाइन लगा है शायद, वजह से डायरेक्ट रास्ता खुल गया आने जाने का और यहाँ से लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। चलो भाई मंदिर तो मैंने घुमा दिया, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा बिने से मिलूँगा और फिर उसके बाद से घर चले जाऊंगा। अभी जाके घर पहुंचे हैं, देखो क्या बज रहा है, 11 बज रहा है और सारांश को देखो सो गया इस टाइम तक, ये भी मेरा इंतज़ार करते करते सो गया होगा। तो मुझे भी बहुत तेज नींद लग रही है, 12:15 हो रहा है। तो फिलहाल मैं आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते फिर आपको कल के ब्लॉग में, आज करते हैं गुड नाइट।